नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम खबरें। भवानी मंडी अध्ययन करीब 300 साल के बाद दशरथ नंदन भगवान राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इससे अयोध्या कायिक तो इनके साथ ही देश विदेश में रहने वाले राम भक्त शेरों गायिकाएं भी बदल रही है। आपस में मिलने पर लोगों ने राम राम सर हो गया है। पारी में भी सुबह शाम पत आयल कर भजने कते भजनों में भगवान राम की भक्ति के भजन अधिक पसंद किए जाने लगे हैं। भवानी मंडी शिवालय मंदिर से लेकर बाईपास रोड तक दोनों तरफ सीसी रोड पर पौधारोपण का कार्य शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पालिका उपाध्यक्ष अनिल वर्मा ने बताया कि सीसी रोड के दोनों रोडों के साइड वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर जेसीबी द्वारा गड्ढे कर पौधे लगाए जाएंगे और आने वाले 2 से 5 सालों में इन पेड़ पौधों का नया वायुमंडल मिलेगा। भवानी मंडी में गत दिनों सर्दी से राहत मिलने के बाद शनिवार सुबह मौसम ने फिर करवट ले ली है। शहर में शीतलहर के साथ ही छाई ओस से जनजीवन प्रभावित हुआ। इस दौरान प्रातः 11 बजे तक मार्केट सुने रहे, वहीं सर्दी के चलते आमजन अलाव ताप कर सर्दी से बचने का जतन करते नजर। भवानी मंडी नगर कीर्तन यात्रा का हुआ आयोजन। 500 साल बाद 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठाओं की खुशी में आज अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वावधान में नगर कीर्तन यात्रा निकाली, जो बालाजी चौराहे से स्टेशन होकर महंत रूप किशोर चतुर्वेदी बालाजी मंदिर पहुंचकर वहां रामलला की आरती और प्रसादी वितरण किया गया। भवानी मंडी के निजी विद्यालय हनी किड्स प्ले स्कूल में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर एक रामायण पात्रों पर आधारित फैंसी ड्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30 बच्चे राम सीता लक्ष्मण हनुमान सबरी बनकर आए और विद्यालय के दीप और फूलों के डेकोरेशन द्वारा सजाया गया था। वहीं छोटे छोटे कार्यक्रम प्रस्तुत किए और अंत में आरती की गई और सभी का आभार व्यक्त किया प्रधानाचार्य ब्रजेश शर्मा। झालावाड़ में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आमजन तक पहुंचाने और आमजन को योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुक्रवार को विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार वैन और शिविर के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं सांसद दुष्यंत सिंह ने पंचायत समिति मनोर थाना की ग्राम पंचायत मनोर थाना में आयोजित होने वाले आमजन की जन सुनवाई में उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। झालावाड़ जिले में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में शुक्रवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्यों के लिए कहा कि आगामी दिनों में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होने वाला है। उन्होंने कहा कि उक्त दिवसों पर जिले में पूर्ण शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन सहित जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्यों एवं जिले वासियों का नैतिक जिम्मेदारी। युवा मित्रों के बीच पहुंचे खानपुर बकानी विधायक। राज्य में पूर्व कांग्रेस सरकार के समय से लगाए गए राजीव गांधी युवा मित्रों को वर्तमान की भजनलाल सरकार ने बिना नोटिस जारी किए एक आदेश निकालकर 5,000 युवाओं को बर्खास्त कर दिया है। करीब 10 दिनों से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए इन युवा मित्रों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनाया और उनके विश्वास दिलाया कि विधानसभा में उनकी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। इस दौरान झालावाड़ के सभी युवा मित्र पिछले 10 दिनों से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हरीश सेन, जसवंत धाकर, रणजीत सिंह, विवेक सेन, उदित शर्मा सहित कई युवा मित्र वहां मौजूद रहे। नौर थाना क्षेत्र के बिनागंज रोड पर अवैध सागवान की सिल्लियों से भरकर आ रहे ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार मनोर थाना क्षेत्र के बिनागंज रोड पर मध्य प्रदेश में अवैध सागवान की सिल्लियां भरकर आ रहा ट्रक असंतुलित होकर कानवर रोड पर पलट गया और मनोर थाना पुलिस वहां मौके पर पहुंची और मृतक का शव कब्जे में लिया और उसको स्वास्थ्य केंद्र मोर्चरी में रखवाया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुरलीधर गौशाला मनोर थाना का पशु चिकित्सक मनीष नागर ने निरीक्षण किया और पशु चिकित्सक की टीम ने गोवंशों को रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया। समिति कोषाध्यक्ष अभिषेक पाटनी ने बताया कि गौशाला में गोवंश की MFD बीमारी से बचने के लिए करीबन 600 गोवंशों का टीकाकरण किया। मनोर थाना में जुआर नवेदले
में 2024 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए शनिवार को ब्लॉक के दो केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। दोनों केंद्रों पर 54 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार ने बताया कि नवोदय परीक्षा के मनोर थाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और 1:30 बजे तक चली। रावा क्षेत्र के रमाई महू में ग्रामवासियों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन किया जा रहा है। चैन सिंह ने बताया कि रमायु माहू में बालाजी महाराज और शिव पंचायतन और शीतला माता की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा शिखर देवता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य कालूराम रामशास्त्री से सानिध्य में अनुष्ठान संपन्न करवाया जा रहा है। 5 दिवसीय महायज्ञ में मुख्य यजमान अर्जुन सिंह, भेरू सिंह, चैन सिंह समस्त ग्रामवासी भाग ले रहे हैं। पिड़ाव तहसील क्षेत्र के ग्राम हरनावदा पिथा में ग्रामवासियों के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और समाज सेवी बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि 16 से 22 जनवरी तक संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक गोवर्धन पुरोहित के मुखारविंद से कथा वाचन किया जा रहा है और कथा के चतुर्थ दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया है, जिसमें नन्हे बालकों को कृष्ण बनकर लाया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह, कैलाश चंद्र राठौर, बहादुर सिंह चौहान सहित वहीं कई महिला पुरुष वहाँ उपस्थित रहे। हुनेल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के चाड़ा में शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री के साथ गारंटी योजनाओं का शिविर में आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर योजनाओं का लाभ लिया। वहीं शिविर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला निःशुल्क गैस कनेक्शन महिलाओं को दिए। इस अवसर पर सरकार की सभी विभाग के अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद रहे। हुनेल कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। कस्बे में रोज सुबह 5 बजे राम के भजनों की धुन प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हो रहे हैं और कस्बे में श्री राम सहित सभी मंदिरों को सजाया गया है। हुनेल कस्बे को दिवाली की तरह बैनर भगवा ध्वजों से सजाया गया है। जिले का बड़ा गौरव, सौरभ को मिली होनेररी डॉक्टरेट की उपाधि। डक कस्बे के संगीतकार सौरभ सोनी, जिनको 19 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में स्थित दिल्ली नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक समारोह आइकॉनिक अवार्ड काउंसलिंग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति द्वारा सौरभ सोनी को होनेररी डॉक्टरेट का प्रमाण पत्र अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टॉकीज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी।